वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब एंड हमारे पास जो डायामीटर है बेस का वो है हमारे पास 140 सेंटीमीटर अब ये तो को ये हमारे पास मीटर में वॉल्यूम लेकिन डायामीटर हमारे पास सेंटीमीटर है तो हम डायामीटर की मेजरमेंट को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय ड्रेड मीटर मतलब कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में हमने उसको मीटर में करना है तो हम उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय करते हैं हंड्रेड के साथ तो डायमीटर को मीटर में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या डिवाइडेड बाय हंड्रेड मीटर तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास वैल्यू क्या वन पॉइंट फोर मीटर ये तो हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ बेस जो कि हमारे पास वन पॉइंट फोर मीटर अब हम डायमीटर से निकालेंगे रेडियस सो रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे डायामीटर को डिवाइड कर देंगे टू के साथ सो डायामीटर डिवाइडेड बाई टू करेंगे जब हम तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी डायामीटर है हमारे पास वन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन मीटर ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट सेवन मीटर हमने हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करनी है क्या होगी हमारे पास वॉल्यूम गिवन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मोला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क आर की वैल्यू हमें गिवन है वॉल्यूम हमें गिवन है पाई की वैल्यू हमारे पास होती है डिवाइडेड यूनिवर्सल वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है तो वैल्यूज हम पुट करके हाइट निकाल सकते हैं वॉल्यूम है हमारे पास वन पॉइंट फाइव फोर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है हमारे पास डिवाइडेड बाई सेवन मल्टीप्लाई रेडियस है हमारे पास जीरो पॉइंट सेवन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच सो हम सेवन को जब हम लेफ्ट लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ट्वेंटी टू को जब हम लेफ्ट लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो मल्टीप्लाई बाय एच सो जीरो पॉइंट सेवन को जब हम लेफ्ट एंड से लेके जाएंगे तो वैल्यूज भी डिवाइड में हो जाएंगी सो वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर